हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जुपिटर 125 स्मार्ट एक्स कनेक्ट के बारे में, इसके रिव्यू के बारे में जानेंगे। उससे पहले, जैसा कि आपको मालूम है कि आज है सावन का दूसरा सोमवार, तो भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। और मैं डायरेक्ट अभी मंदिर से ही आ रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे माथे पे ये जो कुमकुम और ये जो तिलक जो लगा है, ये जो इस बात का निशानी है कि मैं अभी जस्ट भगवान शिव के मंदिर से आ रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे जुपिटर 125 स्मार्ट एक्स कनेक्ट के बारे में। इसमें क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या आपको मिलता है, वो सब कुछ जानेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका वॉक अराउंड, यानी कि ये जो स्कूटर है जुपिटर 125, ये देखने में कैसा लगता है। तो इसका पहले वॉक अराउंड व्यूज पहले हम देख लेते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सामने से जुपिटर 125 स्मार्ट एक्स कनेक्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मार्ट एक्स कनेक्ट का यहाँ पे ब्रांडिंग किया गया है, जो कि यह दिखाता है कि आपका स्कूटी जो है जुपिटर 125 अब स्मार्ट हो गया है, स्मार्ट एक्स कनेक्ट के साथ आता है। और यहाँ पे आपको हेडलाइट असेंबली मिल जाता है, जहाँ पे LED टेक यहाँ पे एम्ब्लेम किया गया है। और ये जो हेडलाइट है LED बल्ब के साथ आते हैं। और हेडलाइट असेंबली के ठीक नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं TVS का बैजिंग किया गया है। उसके ठीक नीचे यहाँ पे नंबर प्लेट है। और ये जो सामने का जो पैनल है, ये जो है फाइबर बॉडी में आता है। उसके ठीक लेफ्ट और राइट में देखते हैं तो यहाँ पे DRL दिया गया है। DRL है, ये DRL क्या होता है, डे टाइम रनिंग लाइट होता है। और उसके ठीक बगल में आप देख सकते हैं ये जो है टर्न इंडिकेटर है, टर्न लाइट इंडिकेटर है। तो वो जो है बेसिकली हैलोजन बल्ब के साथ आता है, यानी कि इसमें टेल लैंप और जो टर्न लाइट इंडिकेटर है वो हैलोजन बल्ब के साथ आता है। उसमें कोई LED का प्रावधान इसमें नहीं किया गया है। तो सामने में ये जो आप देख सकते हैं ये है इसका मड गार्ड, और ये जो है फुल्ली मेटल का है। इधर ये वाला जो पैनल है ये भी मेटल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे TVS इंटेलीगो का बैजिंग किया गया है। तो वो मैं वीडियो में आगे बताऊँगा कि TVS इंटेलीगो क्या है, वो क्या टेक्नोलॉजी है, तो वो सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो सामने से मैंने आपको दिखा दिया कि आपका जुपिटर 125 स्मार्ट एक्स कनेक्ट कुछ इस तरह से दिखता है। अब हम साइड की बात करते हैं। तो साइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो बॉडी है ये भी आपका मेटल का बॉडी है। यहाँ पे जुपिटर 125 का बैजिंग किया गया है। जुपिटर जो है क्रोम फिनिश में है, और ये 125 ये जो है आपका एलुमिनियम कलर में रेड कलर से यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रोम का यहाँ पे टच दिया गया है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो ये जो है जुपिटर 125 स्मार्ट एक्स कनेक्ट का टॉप मॉडल है। अगर टॉप मॉडल की बात करें तो टॉप मॉडल में बेसिकली दो ही कलर आते हैं, एक आता है एलिगेंट रेड और ये जो है कॉपर ब्रोंज। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर ये फुल्ली जो है इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, और ये जो है फुल्ली डिजिटल है। यहाँ पे TVS का ब्रांडिंग यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे दो बटन आपको मिल जाते हैं, इसमें दो छोटे छोटे स्क्रीन मिलते हैं, एक है रेक्टेंगुलर शेप में और दूसरा है स्क्वायर शेप में। तो वो मैं उसको ऑन करके आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे नीचे में यहाँ पे TVS का फ्यूलिंग सिस्टम मिल जाता है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि नॉर्मल जितने सारे स्कूटी हैं उसमें जो फ्यूल टैंक होते हैं वो पीछे की तरफ होते हैं, लेकिन यहाँ पे पीछे में इसका कुछ नहीं है। पीछे में बस यहाँ पे TVS का यहाँ पे ब्रांडिंग किया गया है। ऊपर में बैक रेस्ट है, ये आपका ग्रैब रेल आता है, और यहाँ पे साथ ही साथ एक रिफ्लेक्टर दिया गया है, और पीछे टेल लैंप और टर्न इंडिकेटर। तो जैसा कि मैंने बताया था कि टर्न इंडिकेटर जो है इसका हैलोजन बल्ब के साथ आता है। और यहाँ पे तो ये जो है इसका फ्यूलिंग सिस्टम है, यहाँ पे यहाँ से आप फ्यूलिंग इसमें करवा सकते हैं। और हाँ, जब भी आप गाड़ी में फ्यूल डलवाएँगे यानी कि पेट्रोल भरवाएँगे, तो पेट्रोल भरने वाले जो वहाँ पे एम्प्लॉय होगा, जो वर्कर होगा, उसको आप सख्त बता दीजिएगा कि वो फुल्ली प्रेशर के साथ इसमें पेट्रोल ना डाले। वो मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ। हाँ, तो ये जो सिस्टम है बेसिकली इसका जो पेट्रोल टैंक है, जो फ्यूल टैंक है, वो यहाँ पे है। ये जो आपका जो मैट है ना, ये जो एरिया आप जो देख रहे हैं यहाँ पे नट बोल्ट वगैरह जो दिया गया है ये सब, तो बेसिकली जो इसका फ्यूल टैंक है यहाँ पे है। तो पेट्रोल यहाँ से होते हुए वो नीचे एक पाइप के थ्रू होते हुए यहाँ पर आती है। तो ज़्यादा फोर्स के साथ अगर इसमें पेट्रोल अगर भरा जाएगा तो ये कभी कभी ओवरफ्लो भी हो जाता है। तो इसीलिए जब भी आप अपने गाड़ी में, और ये पुश लॉक है, हाँ
हाँ, तो इसीलिए जब भी आप अपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाएंगे तो जो वहाँ का वर्कर होगा, जो फ्यूल डिस्पेंसर होगा, तो उस आदमी को आप बता दीजिएगा कि ज़्यादा फोर्स के साथ इसमें पेट्रोल ना डाले, धीरे धीरे डाले, क्योंकि ज़्यादा फोर्स के साथ डालेगा तो वो जो है आपका पेट्रोल जो है यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगता है, क्योंकि पाइप जो है घुमा हुआ है, ऐसे ऐसे करके ये घुमा हुआ है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पेट्रोल जो है ओवर फ्लो हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत सा यहाँ पर पैनल है, यहाँ पर LED है और ये पूरा LCD स्क्रीन है, ये पूरा का पूरा फुल्ली डिजिटल है। और यहाँ पर आपका अपर और डिपर यानी कि हाई बीम, लो बीम, और इसी में अगर एक बार नीचे और प्रेस करते हैं तो ये पासिंग लाइट का भी है। यहाँ पे टर्न लाइट इंडिकेटर का स्विच है, यहाँ पे नीचे हॉर्न है येलो कलर का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है हैजर्ड लाइट है, ये जो है हैजर्ड लाइट है, और यहाँ पे ऑटोमेटिक और नॉन ऑटोमेटिक यानी कि इंटेलिगो सिस्टम का ये स्विच है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्टर है, और यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो ये वॉइस कमांड का यहाँ पे आइकन बना हुआ है, यानी कि इसको आप वॉइस कमांड के थ्रू भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो यही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर राइट साइड में बात करें तो यहाँ पे इग्निशन है, और इग्निशन के ठीक बगल में अगर हम बात करें तो इग्निशन के ठीक बगल में ये क्या है, एक पोर्ट दिया गया है USB केबल के लिए, जहाँ से अटैच करके आप अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। तो USB केबल इसमें अटैच करना है, मोबाइल को अटैच करना और यहाँ पर डाल देना है, और उस तरीके से आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो है मैंने ये पूरा इसका वॉक अराउंड मैंने आपको दिखा दिया, तो कुछ इस तरीके से आपका स्कूटी जो है ऐसा दिखाई देता है, काफ़ी खूबसूरत सा है। तो बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी मेरे को ठीक ठाक लगा। और यहाँ पे हुक आपको मिल जाते हैं, ये जो है यहाँ पे हुक है, और यहाँ पे 3 kg यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब इसमें आप ये जो हुक है इसमें मैक्सिमम 3 kg का वेट आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। और यहाँ पे एक हुक यहाँ पे भी दिया गया है, तो इसकी क्वालिटी मुझे कोई ख़ास नहीं लगी, यहाँ पे भी मैक्सिमम 3 kg लिखा गया है। तो ये जो है ये भी हुक है, यहाँ पर भी आप झोला या फिर बैग वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी आपको 3 kg का आप मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। और ये जो पैनल है, ये पैनल थोड़ा सा मुझे इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है या फिर जो भी हम बोलेंगे, यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि कॉस्ट कटिंग किया गया है, क्योंकि ये जितना मेरे को ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल टाइप का लगता है, हार्ड एंड स्टडी टाइप का वैसा फील नहीं हुआ, बाकी ओवरऑल बढ़िया है। और तो अब हम इसका जो फीचर्स है उसके बारे में जानते हैं। अब हम बात करते हैं TVS Jupiter 125 Smart X Connect के फीचर्स के बारे में। तो बेसिकली इसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिल जाते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो आप देख सकते हैं Smart X Connect, तो इसका मतलब ये होता है कि मोबाइल में Android ऐप है अगर आपका, या फिर अगर आपका iOS ऐप है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Smart X Connect है, तो आप गूगल प्ले स्टोर से आप TVS Connect करके एक ऐप आता है, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, और उस ऐप के थ्रू आप इस स्कूटी को आप क्या कर सकते हैं, पेयर कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो यही है Smart X Connect। और इसका जो LCD पैनल है काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, इसके LCD पैनल की अगर हम बात करें तो मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि यहाँ पे LCD पैनल पे यहाँ पे फोकस करें, जो इसका LCD जो इंस्ट्रूमेंट जो क्लस्टर है, तो ये जो है ये जो आपका LCD जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे स्पीडोमीटर आपको मिल जाता है, उसके ठीक नीचे जो है ये आपका फ्यूल गेज है, फ्यूल गेज में 6 बार हैं, तो फ़िलहाल 2 बार ख़त्म हो चुके हैं और 4 बार बचा हुआ है। उसके ठीक नीचे स्पीडोमीटर के ठीक नीचे यहाँ पे ऑडोमीटर मिल जाता है, जो कि आपको बताता है कि आपका जो व्हीकल है अभी तक कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो ये जो स्कूटी है TVS Jupiter 125 फिलहाल 192 किलोमीटर यहाँ पे कवर कर चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 192 किलोमीटर। और यहाँ पे 2 ट्रिप मीटर आपको मिल जाते हैं, ट्रिप ए और ट्रिप बी, और साथ ही साथ एक एडिशनल ट्रिप आपको मिल जाता है, ट्रिप एफ। तो ट्रिप एफ जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, ट्रिप फ्यूल होता है, और वो कब होता है, जब आपका स्कूटी मतलब उसमें पेट्रोल ख़त्म होने वाला होता है, जब उसमें इंडिकेशन आने लगेगा, तो जब भी आपकी स्कूटी में पेट्रोल लो फ्यूल का जब इंडिकेशन आने लगता है, तब आपका ये जो ट्रिप ए और बी ना हो करके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रिप बी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रिप बी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब भी आपकी स्कूटी में पेट्रोल ख़त्म होने वाली होगी,
तब वो जो है ट्रिप ए और बी में ना होकर के ट्रिप एफ में चला जाएगा, यानी कि ट्रिप फ्यूल में चला जाएगा। और उसमें ये बताता है कि आपके पास जो है इतना किलोमीटर ही चलने तक के लिए पेट्रोल बचा हुआ है, तो वो सब फंक्शन यहाँ पे दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है दोनों इंडिकेटर साथ ही साथ जल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो है इसका हैजर्ड लाइट जो है, हाँ तो ये जो इसका हैजर्ड लाइट जो है अभी आपका ऑन है, तो वो है इसका हैजर्ड लाइट। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इको 100%, उसके बाद 0% पावर, तो ये क्या है उसके नीचे में यहाँ पे टाइमिंग यहाँ पे दिया गया है। टाइम अभी दोपहर के 12:21 बजने वाले हैं, मतलब बज चुके हैं 12:21 PM। और यहाँ पे डेट एंड मंथ आपको बताएगा, तो डेट और मंथ यहाँ पे आपको बताएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 29th of July मंडे, आज का जो दिन है वो मंडे है, तो वो सब चीज़ यहाँ पे बता रहा है। अब ये जो इको 100% है, यहाँ पे दो मोड आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे ग्रीन जो है इको मोड को दर्शाता है, और यहाँ पे एम्बर लाइट जलता है। एम्बर कहने का मतलब हल्का हल्का आपको येलो टाइप को दिखाई देगा, तो वो जो होता है पावर मोड को दिखाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप अपने व्हीकल को चलाएँ तो इको मोड में ही चलाएँ। इको मोड में आप चलाएँगे तो आपका जो फ्यूल एफिशिएंसी होगा वो ज़्यादा मिलेगा, यानी कि आपका जो एवरेज है जिसको हम लोग माइलेज बोलते हैं वो ज़्यादा मिलेगा। इको कहने का मतलब होता है कि आप अपनी स्कूटी को एक लिमिट में चलाते हैं, ज़्यादा रेव नहीं करते हैं, इसके इंजन को ज़्यादा रेस नहीं करते हैं। तो फिलहाल ये जो है 100% इको मोड में चला है, और जैसे ही आप अपने थ्रॉटल को ज़्यादा खोलेंगे चलाने के टाइम में, छपरी टाइप का चलाएंगे, तो यानी कि होता है ना जैसे कि छपरियों लोग चलाते हैं, ये फूड फार करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो है ये पावर मोड का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा। और ये पावर मोड जैसे ही बढ़ेगा आपका जो फ्यूल का जो एफिशिएंसी है वो कम जाएगा, यानी कि एवरेज और माइलेज जो होता है वो कम जाएगा। तो वो सब चीज़ है, यहाँ पर टाइमिंग दिया गया है, यहाँ पर डेट और मंथ है, और साथ ही साथ यहाँ पर डे है भी आपको बताएगा। यहाँ पे दो बटन है, मोड बटन और सेट बटन। तो मोड बटन से यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाँ अब ये जो है मोड बटन को जैसे ही आप एक बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टैकोमीटर आ गया। अभी जो टैकोमीटर जो होता है जिसको हम लोग RPM मीटर भी कहते हैं, यहाँ पे आप 10,000 RPM तक जो है आप इसको रेव कर सकते हैं, जो कि इसका मैक्सिमम आउटपुट होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका इंजन अच्छा परफॉर्म करे तो उसके लिए आपको ज़्यादा रेव नहीं करना है, एक लिमिट में चलाना है। 10,000 तो हाईएस्ट हो गया, तो फिर आपका इंजन डैमेज भी हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राइविंग रेंज बताया जा रहा है, और AFE हाँ यहाँ पे बताया जा रहा है AFE मतलब एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी होता है, जो कि 45 किलोमीटर पर लीटर का बताया जा रहा है, यानी कि ये जो स्कूटी है फिलहाल अभी 45 किलोमीटर का माइलेज दे रही है। तो ये जो माइलेज जो बताता है, आपने पिछला दफ़ा कितना मिनट से आपने राइड किया या फिर कितना घंटा, मतलब जो लास्ट जो आपका ट्रिप होता है, चाहे वो 5 मिनट का हो चाहे वो आधे घंटे का हो, तो उसका ओवरऑल ये माइलेज बताता है। तो AFE अभी यहाँ पे बताया जा रहा है 45 किलोमीटर पर लीटर, और ये ड्राइविंग रेंज बताता है जिसको हम लोग बोलते हैं DTE होता है डिस्टेंस टू MT। तो ये जो है अभी DTE यहाँ पर बताया जा रहा है कितना, 133 किलोमीटर, यानी कि 133 किलोमीटर तक जाने का पेट्रोल इसमें अभी है। तो ये जो है ये पूरा आपका पैनल है, ये है टैकोमीटर जिसको हम लोग RPM भी बोलते हैं, और इसको जैसे ही ये स्टार्ट करेंगे, सपोज मैंने स्टार्ट किया, तो जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो RPM का जो मीटर है, जो इसका टैकोमीटर है, ये धीरे धीरे फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हो गया है। ये आप देख सकते हैं, तो धीरे धीरे ये बढ़ता है, हाँ तो ये हो गया इसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं AFE बताया जा रहा है, AFE क्या होता है, एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, और दूसरा ड्राइविंग रेंज बताया जा रहा है जिसको हम लोग DTE भी कहते हैं। DTE होता है बेसिकली डिस्टेंस टू MT, तो डिस्टेंस टू MT अभी 133 किलोमीटर यहाँ पे बताया जा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि अभी आपका जो व्हीकल है उसमें 133 किलोमीटर तक जाने का पेट्रोल फ्यूल जो है अभी आपके पास है। जितना भी पेट्रोल आपके पास है उसमें आप 133 किलोमीटर तक आप जा सकते हैं। उसके बाद AFE यहाँ पे बताया जा रहा है, बाकी ये टैकोमीटर है। उसके बाद एक बार और इस बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी वोल्टेज बताया जा रहा है, जो कि फ्लक्चुएट कर रहा है। उसके बाद
यहाँ पे वही बात है, यहाँ पे एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी 45 किलोमीटर पर लीटर, ड्राइविंग रेंज जो है 133 किलोमीटर यहाँ पे बचा हुआ है, बाकी यहाँ पे टाइम और यहाँ पे डेट बताया जा रहा है। उसके बाद इस बटन को, मोड वाले बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ब्लूटूथ मोड जो है एक्टिवेट हो गया है। तो आप अपने फ़ोन को ब्लूटूथ मोड में डाल करके आप इस डिवाइस के साथ, यानी कि जो LCD जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है उसके साथ आप पेयर कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से फिर से आप इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं तो ये जो है टाइम मोड में आ जाता है। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टाइम मोड में आ गया है और यहाँ से आप अपना जो व्हीकल है उसका टाइम और डेट यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं। हालांकि उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको हम हैंडल कर लेंगे कि कैसे इसका टाइम और डेट सेट किया जाता है। तो ये सारा कुछ है। बाकी इसमें जैसे ही आप अपने फ़ोन को इस डिवाइस के साथ, इस LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल के साथ जैसे ही आप इसको पेयर करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो जितने आपके सोशल मीडिया का जो हैंडल हैं यहाँ से आप ब्राइटनेस या आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ से आप ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए इसको मैंने फुल कर दिया, चलो ठीक है, प्रेस सेट, इसको दबा दिया, ये पूरा का पूरा सेट हो गया। तो ये है। तो इसको जैसे ही आप अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करते हैं तो सारा का सारा जो आपका जो नोटिफिकेशन है, जो भी आपके सोशल मीडिया का जो हैंडल है, फेसबुक हो या फिर आपका व्हाट्सएप है, SMS है, कॉल अलर्ट है, वो सारा का सारा नोटिफिकेशन इसमें आपको मिल जाएगा। और इसमें साथ ही साथ नेविगेशन भी दिया गया है, जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो आपको कहाँ जाना है इसमें डायरेक्शन वगैरह सारा कुछ आपको बताएगा। नेविगेशन है तो उसके लिए मैं एक स्पेशली वीडियो बना दूंगा। और उसके बाद हम देखते हैं, नेविगेशन तो इसमें है ही, और साथ ही साथ जैसे ही आप ट्रैफिक लाइट पे, आप डेंजर में आप जब आप रुकते हैं तो वहाँ पे न्यूज़ वगैरह भी इसमें आपको, हेडलाइंस वगैरह वो सारा का सारा, टेम्परेचर या फिर वेदर का जो रिपोर्ट है वो सारा का सारा इसमें आपको बताएगा। तो बेसिकली यही है, ये है स्मार्ट एक्स कनेक्ट। तो ये जो है बेसिकली TVS इंटेलीगो सिस्टम क्या है, इसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था और मैंने ये भी कहा था कि आगे चल के मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपका जो TVS ये जो व्हीकल है ये काफ़ी स्मार्ट हो गया है। तो इंटेलीगो मतलब ये जो है काफ़ी इंटेलिजेंट हो गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जैसे ही आप ट्रैफिक लाइट में खड़ा होते हैं, जब भी आपका ट्रैफिक लाइट डेंजर मिलता है तो उस कंडीशन में जैसे ही आपका व्हीकल मात्र 7 सेकेंड के लिए खड़ा होता है, 7 सेकेंड के लिए जैसे ही आपका व्हीकल खड़ा होगा तो ये ऑटोमेटिकली फ्यूल सेविंग मोड में चला जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि आपका मोबाइल का बैटरी जब 20% से नीचे आता है तब आपका बैटरी जो होता है, जब आपका फ़ोन होता है आपका फ़ोन वो बैटरी सेविंग मोड में चला जाता है। ठीक उसी प्रकार जो है जैसे ही ट्रैफिक लाइट पर आप खड़ा होते हैं तो ये आपका स्कूटी जो है 7 सेकेंड तक ये फ्यूल सेविंग मोड में चला जाएगा। और 7 सेकेंड वेट करने के बाद अगर वो सिग्नल ग्रीन हुआ तब ठीक है, नहीं तो ये ऑटोमेटिकली आफ्टर 7 सेकेंड ये क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। तो इस मायने में ये जो है TVS इंटेलीगो सिस्टम काफ़ी स्मार्ट हो गया है। अब हम बात करते हैं इसके ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। तो इसमें SBT ब्रेकिंग सिस्टम दी गई है। SBT का कहने का मतलब होता है कि सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। अब SBT क्या होता है, सिंक्रोनाइज्ड कहने का मतलब ये सिंक्रोनाइज हो गया है, मतलब दोनों चक्का में एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली ब्रेक इसमें अप्लाई होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो आपका लेफ्ट हैंड वाला जो ब्रेक होता है ये रियर टायर का होता है और ये राइट हैंड का जो ब्रेक होता है ये होता है फ्रंट टायर का। तो जैसे ही आप रियर टायर वाला आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो साइमल्टेनियसली दोनों व्हील में आपका ब्रेक अप्लाई होता है, तो स्कीड करने का जो चांसेस होता है वो काफ़ी कम जाता है। तो SBT वही है, यानी कि सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। तो ये था सिस्टम SBT। इंटेलीगो क्या है ये मैंने आपको बता दिया। इंटेलीगो मतलब कि आपका गाड़ी 7 सेकंड तक जैसे ही खड़ा होता है आपका व्हीकल जो है वो फ्यूल सेविंग मोड में चला जाता है। 7 सेकंड के बाद अगर वो सिग्नल अगर ग्रीन हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर उस 7 सेकंड के बाद आपका व्हीकल ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है और इस प्रकार से आपका फ्यूल को ये सेव करता है। और इसमें एक और सिस्टम दिया गया है, एक और टेक्नोलॉजी इसमें लगाई गई है, वो बोलते हैं ISG। ISG क्या होता है, इंटेग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर। और ये जो सिस्टम है ISG आने के बाद, ISG फीचर आने के बाद इसका जो इंजन का जो साउंड है ना वो काफ़ी नॉइजलेस हो गया है। जैसे आप इसको स्टार्ट करते हैं ना एकदम बहुत ही लो साउंड स्टार्ट करता है, लो साउंड ये प्रोड्यूस करता है। तो ISG बेसिकली वही है। और इसका अगर हम बात करें यहाँ पे, हाँ एक और सिस्टम यहाँ पे दिया गया है कि साइड स्टैंड का।
तो जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं आपको टेस्ट करने के लिए दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं टेस्ट करने के लिए आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको स्टार्ट किया और स्टार्टर लेकर के मैंने स्टार्ट किया, आपका स्कूटी जो है ये स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हैं कि कितना कम साउंड ये प्रोड्यूस कर रहा है। और स्टार्ट कंडीशन में एक और साउंड, यहाँ पे साइड स्टैंड अगर मैं गिरा देता हूँ, हाँ, तो ये साउंड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड स्टैंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइड, हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइड स्टैंड का यहाँ पे लोगो, यहाँ पे लाइट, यहाँ पे इंडिकेशन आ रहा है। तो ये इंडिकेशन जो है आपको इरिटेट करेगा, बार बार जो है बजिंग साउंड जो होता है वो आपको ये इंडिकेट करता है कि आपका साइड स्टैंड जो है गिरा हुआ है, तो उसको आप कृपया उठा दीजिए। तो जैसे ही आप उठा देंगे तो ये लाइट जो है वो गॉन हो जाएगा, चला जाएगा। और यहाँ पर ये जो लाइट जो आप देख रहे हैं, इसको आप कभी इग्नोर मत कीजिएगा। ये जो लाइट है, ये जो है जिसको हम लोग बोलते हैं MIL लाइट, यानी कि मेल फंक्शन इंडिकेशन लाइट जो होता है, लाइट होता है, ये आपको ये दिखाता है कि आपके किसी सेंसर में, और जहाँ तक मेरे को लगता है ये ISG इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर, हाँ, ये जो है आपका इंजन चेक लाइट जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, तो ये जो है उसका इंडिकेशन है। ऐसे टेक्निकली इसको MIL कहा जाता है, यानी कि मेलफंक्शन इंडिकेशन लाइट। तो ये चूँकि ये स्टार्टिंग में ये ऐसा नहीं था, और स्टार्टिंग जैसे ही गाड़ी की डिलीवरी हुई, डिलीवरी होने के लगभग अगले दिन ये लाइट आना शुरू हो गया था। और ये जब से आना शुरू हुआ है, तो ये एक्चुअली ये सेंसर का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो TBS वालों ने बताया कि जब भी आप फर्स्ट सर्विसिंग में आइएगा तो फिर मैं इसको देख लूँगा। तो फिलहाल ये है, और उसके बाद ये जो है ऑटोमेटिक मोड है। जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक मोड में चला जाता है, और उसके बाद ऑटोमेटिक मोड यानी कि इंटेलीगो सिस्टम ये ऑन हो गया और ये ऑफ हो गया। तो ये सिस्टम है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसका वॉइस कमांड के साथ आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अब इसको हम, इसका जो बूट स्पेस है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बूट स्पेस इसका काफ़ी बड़ा, यानी कि ये अप्रॉक्स 33 लीटर का, यानी कि 33 लीटर का इसका बूट स्पेस है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। इसमें यहाँ पे एक हेलमेट आया हुआ है, यहाँ पे घर का सामान है, और मैं गया था मंदिर जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो ये सारा कुछ जो है आपका, आप अगर मान के चले तो एक सप्ताह का राशन, यू नो, आप एक सप्ताह क्या, इसमें आप चाहेंगे तो 10 दिन या फिर आधे महीने का राशन पानी आप इसमें कैरी कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। तो काफ़ी बड़ा इसका बूट स्पेस दिया गया है, और सीट भी इसका काफ़ी लंबा है। इसमें 3 आदमी काफ़ी कंफर्टेबली इसमें बैठ सकते हैं, हालांकि वो इलीगल है। अगर आप 2-व्हीलर पे 3 आदमी 3 पैसेंजर अगर आप सफ़र करते हैं तो फिर वो इलीगल है, आप पे चालान कटेगा। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। तो ये सिस्टम है, यहाँ पे ये चार्जिंग के लिए दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल चार्जिंग के लिए यहाँ पे USB सॉकेट दिया गया है, यहाँ पे USB कनेक्टर, यहाँ पे आप USB केबल के साथ यहाँ पे आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं, चार्ज पे लगा सकते हैं, आपका स्कूटी चलते भी रहेगा और यहाँ पे आपका फ़ोन भी चार्ज होते रहेगा। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं बार एंड वेट, यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग में दिया गया है। बार एंड वेट इसको बोलते हैं, ये जो आपका क्रोम फिनिश में ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं बार एंड वेट। तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और इसमें 12 इंच का अगर हम व्हील की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने में आपको मिल जाता है डिस्क ब्रेक, और ये जो व्हील है 12 इंच का व्हील है, 12 इंच का टायर है, सामने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको मिल जाता है, और यहाँ पे पेटल डिस्क आपको मिल जाता है। तो सामने वाला जो ब्रेकिंग है वो है डिस्क ब्रेक, और पीछे वाला जो है वो है ड्रम ब्रेक। और ये जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये जो व्हील है ये आपका डायमंड कट एलॉय व्हील के साथ आता है, जो कि इसको खूबसूरत, इसको एक अलग लुक देता है, काफ़ी खूबसूरत बनाता है, और दूसरी स्कूटी से इसको अलग करता है। उसके बाद तो कुल मिलाकर के यही था। और ये पीछे का इसका पैनल है, ये इसका मफलर है, तो काफ़ी खूबसूरत लगता है। और इसमें टायर की हम बात करें तो टायर इसमें TBS के टायर दिए गए हैं 90x90 सेक्शन के। यहाँ पे आप देख सकते हैं TBS का टायर दिया गया है, और ये
90x90 का यहाँ पे टायर दिया गया है। तो ये डायमंड कट एलॉय व्हील के साथ आता है, 12 इंच का टायर है, काफ़ी बड़ा टायर है और साइड से कुछ ऐसा लगता है, तो काफ़ी खूबसूरत मेरे को लगा और ये कलर भी अच्छा लगा। तो कुल मिलाकर के यही था, और इसको लेने का मेरा मेन मकसद जो था वो ये था कि इसको सिटी राइड के लिए यूज़ कर सकूं। और जैसा कि अगर आपको मालूम है, अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो आपको मालूम होगा कि मैंने हाल ही में स्क्रैम्बलर 400X लिया है, और उसको सिटी यूज़ करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि घरेलू सामान जो होता है, राशन वगैरह लाना, वो सारा का सारा उसमें मुमकिन नहीं हो रहा था। और सच कहूँ तो उसको मैंने उस पर्पज़ के लिए लिया भी नहीं हूँ, उसको लिया हूँ मैंने जहाँ पर भी मैं रहता हूँ या फिर जो भी मेरा पर्पज़ है, तो पर्पज़ बताने का चीज़ नहीं होता है, वो मैं जगह को एक्सप्लोर करने के लिए लिया हूँ, तो वो मैं एक्सप्लोर करूँगा ही, तो उस पर्पज़ से मैं लिया हूँ। और ये जो गाड़ी है, ये TVS जुपिटर 125, ये जो है ये फैमिली गाड़ी है, और इसमें राशन पानी वगैरह सारा कुछ आप इसमें इजीली आप इसमें कैरी कर सकते हैं। मैं स्क्रैम्बलर 400X को सब्जी मंडी या फिर जो होता है सब्जी बाज़ार, वहाँ पे ले जाया करता था। उसमें विश्वास नहीं करोगे यार, डर लगता था उसका। एक्चुअली उसमें सिंगल स्टैंड दिया है, भारी तो है ही और सिंगल स्टैंड है, और वो स्टैंड भी इतना सीधा रहता है, यू नो 90 डिग्री से थोड़ा सा झुकता है, 85 डिग्री के आसपास रहता है। डर लगता है कहीं कोई आकर के उस पर बैठ गया, झुक गया, तो वो पलटी मार देगा। तो वो सब सिस्टम, वो सब झंझट से, उस लफड़ा से बचने के लिए मैंने इस TVS जुपिटर 125 को यहाँ पे ये लिया है। तो काफ़ी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, और इसको लेने के पीछे जो इसमें सबसे खास बात मेरे को लगा, इसका लंबा सीट है, इसका जो सीट है काफ़ी यू नो काफ़ी कुशन वाला है और अच्छा है, कंफर्टेबल है। तो लंबा सा इसमें सीट दिया गया है, बूट स्पेस तो मैंने आपको दिखा दिया, तो वही चीज़ है। और ये दो चीज़ें मेरे को काफ़ी इसका अच्छा लगा। और एक और तीसरा जो चीज़ है ना, आपको जब भी आप फ्यूलिंग कराएंगे, गाड़ी में पेट्रोल डलवाएंगे, तब आपको स्कूटी से बाहर उतरने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बार बार ये जो जैसा कि आप ट्रेडिशनल जो स्कूटी होता है, लाइक एक्टिवा हो गया, आपका एक्सेस हो गया सुजुकी का, तो उसमें आप देख सकते हैं, उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे उसका फ्यूल टैंक होता है, तो इसमें उस चीज़ को हटा दिया गया और यहाँ पे सामने में दे दिया गया, यानी कि बैठे बैठे आप गाड़ी में पेट्रोल भरवा सकते हैं, फ्यूलिंग करवा सकते हैं। तो वो जो है वो फीचर मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा। और इसका बूट स्पेस तो मैंने आपको बता ही दिया हूँ। इसका इंजन जो है 125, जो कि 125 से थोड़ा सा कम है, और ये जो है पावर प्रोड्यूस करती है तकरीबन 8 ब्रेक हॉर्स पावर, 8 BHP का पावर प्रोड्यूस करता है। टॉर्क की बात करें तो इसका टॉर्क जो है 10.5 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जनरेट करता है। टॉर्क अगर आपको नहीं पता है तो आप इतना समझ लीजिए कि टॉर्क जो होता है एक ट्विस्टिंग फोर्स होता है। जब आप नट बोल्ट को जब आप घुमाते हैं, पाने से घुमाते हैं ना, तो घुमाने के लिए जो ताकत की ज़रूरत पड़ती है उसी को टॉर्क बोलते हैं। तो टॉर्क जो है इसका इंजन जो है 10.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये प्रोड्यूस करती है, और वो मेरे हिसाब से काफ़ी है यार, यू नो ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत क्या है, बट लेकिन फिर भी है, सफिशियंट है। इसको आप भगाना चाहे तो 80-90 तक आप इसको टॉप में भगा सकते हैं। चूंकि इसका फर्स्ट सर्विसिंग नहीं हुआ है, तो मैं इसको अभी तक इको मोड में ही चलाया हूँ, 40 से ऊपर तो बढ़ा ही नहीं हूँ। तो अब आता है वर्डिक्ट का, तो मेरे हिसाब से ये स्कूटी किनको लेना चाहिए, किनको नहीं लेना चाहिए। तो अगर देखिए, अगर आप एक्टिवा के लवर हैं, अब ये तो पूरा इंडिया जानता है कि एक्टिवा जो है पूरा इंडिया में ज़्यादा बिकता है। अब मेरे को नहीं मालूम कि वो किस वजह से ज़्यादा बिकता है, उसमें क्या ऐसा खास बात है, लेकिन मैं TVS का शुरू से ही फैन रहा हूँ, इसके बिल्ड क्वालिटी का फ़ैन रहा हूँ। तो अगर हम एक्टिवा की बात करें, तो मेरे कुछ दोस्तों ने एक्टिवा रखा हुआ है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं सामने में, यहाँ पर ये जो पैनल होता है, यहाँ पर ये जो प्लास्टिक का जो मटेरियल होता है ना, ये जो पैनल जो होता है सामने में प्लास्टिक का जो मटेरियल होता है, वो कुछ सालों के बाद, 2-3 साल के बाद पानी वानी खाते वाते वो पूरा एकदम सड़ ही जाता है, पूरा ख़राब हो जाता है। तो वो जो है वो मेरे को काफ़ी ख़राब लगता है। बाकी स्कूटी कैसी है, बिकती है तो कुछ क्वालिटी तो होगी, बट मेरे को एक्टिवा के साथ नहीं जाना था। तो मैं बस यही कहूँगा, आपको अगर एक लंबा सा सीट चाहिए जिस पर आप 3 आदमी आराम से बैठ के चिल मार सकें, और एक लंबा सा बूट स्पेस चाहिए जिसमें आप 10-15 दिन का राशन आप आसानी से कैरी कर सकें, 2 हेलमेट इसमें आप आसानी से कैरी कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप बिल्कुल TVS जुपिटर 125 के साथ जा सकते हैं। और ये मैं नहीं कहूँगा कि आप जुपिटर में इसका टॉप मॉडल ही लीजिए, अगर इसका मिड वाला जो, इसका नीचे वाला जो लोअर मॉडल है, उसमें भी आपका एक लंबा सीट और आपका सामने में फ्यूल टैंक मिल जाएगा, उसका भी जो बूट कैपेसिटी है वो 33 लीटर का है। तो आज के
वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत किया हूँ यार। और वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में किसी तरकते भरकते वीडियो के साथ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।